मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर एनडीटीवी ने चर्चा की, उमंग सिंघार से सुनाते हैं आपको। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है, मुख्यमंत्री जी का भाषण की खास तौर से बात, राम विक्रमादित्य कृष्ण, क्या लगता है, क्या कुछ कमी थी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, ऐसा लग रहा था कि विधानसभा के बजाय हम लोग एक इतिहास की क्लास में बैठे और इतिहास सुन रहे। जनता, प्रदेश की जनता चाहती थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश की बात करें। हम लोग चाहते थे, हमने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पे वो मौन रहे, तो ये बड़े दुख की बात है इस प्रदेश के लिए। लाडली बहना के लिए आपने कानून बनाने की बात की है सदन में। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि लाडली बहना हम देंगे पैसा, तो इस पर कानून बनाना मौन रह गए, तो मुझे लगता है कि अब गोलमाल खेलना चाहते हैं। उमंग जी, आपने एक और की कई चीजों का जिक्र किया, राज्य परिवहन की बात आपने कही और भी कई चीजों की, तो क्या इन मुद्दों का आप अब उठाएंगे? स्वाभाविक है, यही एक आम जनता के मुद्दे है, यही आम जनता का अधिकार है, इनको बिल्कुल दृढ़ता के साथ समय समय पे उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आम जनता के अधिकार उन्हें मिलना चाहिए।